अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान फारूक है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और बतौर स्ट्रोक स्पेशलिस्ट NICVD कराची में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं फालज यानी कि स्ट्रोक के बारे में कुछ अहम बातें आपको बताऊँगा। फालज जो है दिमागी अमराज में आज के दौर में बहुत ज़्यादा जो है आम हो चुका है और उसकी जो सतह है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के तौर पे रोज़ाना 1000 के करीब लोगों को फालज होता है और उसमें से 400 के करीब लोग जो है इस फालज की बीमारी की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। फालज की अलामतों का पहचानना और बरवक्त उसका इलाज करना लोगों को बड़ी माजूरी से और उससे मुंसलिक जो मुश्किलात हैं उससे बचा सकता है। तो फालज की जो है अहम क्या क्या अलामतें हैं जिसको मरीज़ के आसपास के लोग पहचान कर उसको बरवक्त अस्पताल की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं और उसका बरवक्त इलाज हो सकता है और वो बड़ी माजूरी से बच सकता है। फालज अमूमन जो है वो चेहरे के टेढ़ेपन से, बाजू की कमज़ोरी से और ज़बान की लुकनत से पहचाना जाता है। किसी को एकदम से जो है ज़बान मोटी हो जाए या ज़बान में लुकनत आ जाए या बोलचाल बंद हो जाए और चेहरा टेढ़ा हो जाए और बाजू और टांग कमज़ोर हो जाए तो इसको समझ लेना चाहिए ये फालज है। और इस अलामतों के साथ जब मरीज की तशखीस हो जाए कि इसको फालज है तो इसको फौरन से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और अस्पताल वहाँ पे जहाँ पे फालज की सहूलियात हैं तो उन अस्पताल के बारे में मालूमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। फालज के हवाले से एक वर्ड है जिसको फास्ट कहते हैं, FAST। ये वर्ड जो है हम सब के दिमाग में होना चाहिए क्योंकि इससे मरीज़ की अलामतों को पिक करना और बीमारी को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। फास्ट में जो F है वो फेस है और A जो है वो आर्म है यानी कि हाथ और S जो है वो स्पीच है और T जो है वो टाइम है। तो अगर F से फेस का टेढ़ा हो जाना, A आर्म से हाथ की कमज़ोरी और S से स्पीच के अंदर लुकनत या ज़बान के अंदर बोलने की सिफत का कम हो जाना और T से टाइम कि किस बजे कितने बजे और किस वक्त ये फालज हुआ है, इन चार अल्फाजों की मदद से जो है फालज की तशखीस का करना बहुत आसान हो जाता है।